Good afternoon, students. Today I am going to explain chapter 6 from the book Footprints Without Feet, the making of a scientist. In our last class, we have learned the author is talking about Richard E. Bright, who was a great biologist, and in this story, he told us that how did he get, I mean, Richard E. Bright, how did he get the awards, how did he start his work, and how did he convert his interest in biology, and what are the qualities to make to be a great scientist, and who inspired him a lot. And in the 7th grade, when he had participated, his mother, always his mother inspired him to participate in good works, and when he was in 7th grade, and he failed in the competition, and then he realized the practical work is better. So in after seventh grade, he wanted to participate by the live projects. And so he wrote a letter to Dr. Urquhart for the ideas, and that came of steps, lessons for experiments, and those kept Bright busy all through high school, led to prizes at his country and international science level. We have learned from our last class. And next one is, for his 8th grade project, Bright tried to find the cause of viral disease. Viral disease, in its disease called viral virus. So virus diseases होती हैं उनके ऊपर कुछ study करना जरूरत है. And that kills nearly all monarchs, caterpillar every few years. जो viral diseases की जिनकी वजह से जो monarch caterpillars थी वो मर जाती थी अभी ये उनके ऊपर बोल स्टडी करना चाहता था. Bright thought the disease might be carried by a beetle. Beetle होते हैं बच्चे insects, small insects जो होते हैं. उनको लगता था कि ये वाले जो हैं जो viral diseases होती हैं ये शायद कहीं ना कहीं जो beetle होती है ना उनके वो जो मक्खियाँ flies हैं कि उनके field में लग जाते हैं एक जगह से जब वो दूसरी जगह पे बैठ गई है तो वायरस जो स्प्रेड हो जाता है कि थ्रू द बीटल ये जो कास है जो माइट है सॉरी डिसीज है जिस शायद जो बीटल्स के थ्रू फैलती है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. उन्हें कि कितना जो कैटरपिलर्स है उनको मीन्स बीटल्स की प्रेजेंस में रखना शुरू किया तो उनके साथ उनकी प्रोवाइड की कैटरपिलर्स की एज वेल एज बीटल्स की दोनों को एक जगह पे रखा उन्होंने. And I didn't get any real result. कहता आप मुझे कोई real result नहीं इनसे मिले. He said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. But एक बार उसने experiment शुरू किया था. This time I won. इस time हो गया उनकी victory होती है वो जीत जाता है experiment में. उसने जब कोई ना कोई experiment उनका जिसमें हुआ जरूर चाहे उनके वो जो बीमारी को जो वायरल डिजीज थी उनके ऊपर स्टडी करना चाहता था कि वायरल डिजीज कैसे फैलती है इसीलिए उसने कैटरपिलर्स एंड बीटल्स को एक साथ रखा था. बट वो वाला रिजल्ट तो उसको नहीं मिला. ही डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट. उनके लिए तो कोई रिजल्ट नहीं मिला बट फिर भी उसने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो किया था तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए वो कहे तो वो जीत जाता है. नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियरी दैट वायसराय बटरफ्लाई कॉपीज मोनार्क्स. कॉपी होता बच्चे इमिटेट. जो वायसराय बटरफ्लाईज हैं ये तो वो मोनार्क्स को कॉपी करती है. वायसराय जो होते हैं उनकी जो बड़ी बड़ी जो है वो किनको कॉपी करती है मोनार्क्स को कॉपी करती है. तो थियरी वॉज वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स. थियरी क्या थी कि जो वायसराय थी देखो जो वायसराय थी एंड जो मोनार्क्स थी दोनों की जो है एक दूसरे जैसी दिखाई देती थी. ये रीजन ये था कि वो एक जैसी दिखती थी एंड डिड नॉट टेस्ट गुड टू वर्स. बट जो वायसराय उनका टेस्ट नहीं अच्छा होता था. वायसराय जो मोनार्क्स है उनका टेस्ट नहीं अच्छा होता था. लाइक द मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डिड नॉट टेस्ट गुड टू वर्स. ठीक है जो मोनार्क्स है उनका टेस्ट नहीं अच्छा होता था. वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट इज गुड टू वर्स. जो वॉइस राय थी वो टेस्टी होती थी वर्ड्स के लिए. सो द मोर की लुक लाइक द मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम वर्ड्स विनर. अब क्या था जो वॉइस राय थी वो चाहती थी कि वो जो है क्योंकि दोनों एक जैसी हैं देखने में तो एक जैसी हैं बट जो वॉइस राय है उनका
उनका टेस्ट अच्छा है, जो मुनार्च है उनका टेस्ट अच्छा नहीं है खाने में वर्ड्स का, इसलिए वर्ड्स वो वायसराय को खाते हैं। तो वायसराय क्या सोचती है कि मुझे मीन वो जो वर्ड्स है उनका डिनर नहीं बनना चाहती, मैं ये नहीं चाहती कि मीन जो वर्ड्स उसको मारे उनको किल करें, इसीलिए वो क्या है मुनार्च को कॉपी करती है कि वो देखने को ऐसा लगे जैसे मुनार्च, ठीक है, मुनार्च जैसा अपने आप को बिहेव करती है, तो देखने को जो वर्ड्स को शायद जो उनको है कि वर्ड्स को कंफ्यूजन हो जाए कि ये मुनार्च है वॉइस राय नहीं है, इसीलिए वो मीन वो उनको कॉपी करती है। क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डिड वॉइस राय कॉपी द मुनार्च, मे रीजन यही था कि वो उसको कॉपी इसलिए करती थी क्योंकि उनका टेस्ट तो अच्छा था वॉइस राय का, बट मुनार्च जो है उसका टेस्ट नहीं अच्छा था, दैट इज वाई ही कॉपीड द मुनार्च।
एंड आफ्टर दैट उन्होंने गोल्ड स्पोर्ट्स जो कॉमर्स मानते हैं उनके ऊपर स्टडी करनी शुरू कर दी. एग्रीकल्चर डिड मोर वर्क ऑन कार्बन्स फ्रॉम गोल्ड स्पोर्ट्स. फिर उन्होंने पता चला जो एग्रीकल्चर है एंड आफ्टर दैट उसने ज्यादा से ज्यादा जो काम करना शुरू कर दिया गोल्ड स्पोर्ट्स के ऊपर. एंड चूजिंग द लॉटरीज सबको टाइम से पहले जो इशू हो जाती है उनको यूज किया उन्होंने. ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई मींस टू नो द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. जो हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी वो अंडरस्टैंड कर सकता था इजीली. अ ईयर एंड अ हाफ ईयर लेटर ड्यूरिंग द जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट दिस सेल लाइफ. ठीक है. आफ्टर दैट ईयर ईयर एंड हाफ ईयर मीन्स डेढ़ साल के आफ्टर हमने क्या किया जूनियर ईयर में एब्राइट गॉट आइडिया ऑफ न्यू थियरी एक न्यू आइडिया उनके पास आ गया. इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. जब वो केमिकल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जब वो केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे एक्सरे के ऊपर तो उसको एक और थ्योरी मिल जाती है. व्हेन ही सॉ दोस फोटोज ब्राइट डिड नॉट शाउट रिफा एंड इवन आई हैव गॉट इट. अब उसको नया आइडिया मिल गया उसके साथ वो शेयर करते थे मुझे आई हैव गॉट न्यू आइडिया. And what he did that along with his findings about insect carbons, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle. कि उनकी जो एक problem थी उसका answer मिल जाता है उसको. How the cell can reach the blueprint means basis of its DNA. जो उनकी जो अनार्स बटरफ्लाई है उनका DNA के ऊपर उसको एक blueprint मिल जाता है. DNA is the substance of nucleus. Nucleus means of the cell. So DNA, this is the substance of the center of the cell and that controls cell. DNA is the blueprint of life. DNA is the blueprint.